हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो कल अपन रेजिस्टेंस में खेल रहे थे, आज उस रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घरों में बल्ब लगे हुए हैं, ठीक, फैन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है, तो कितना कंज्यूम होगा, उस कंज्यूम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो उसका मीटर भी आता होगा, उस मीटर में जितना यूनिट आप पे करते हो उसका बिल भी आता है, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस जानेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। बेसिकली होता क्या चीज़ है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन अ डिवाइस इज कॉल्ड एज इट्स पावर। एक सेकेंड में जितना एनर्जी लिबरेट करती है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल पावर, पी। बेसिकली जो पी होता है वो क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी इंटू वोल्टेज। डी क्यू बाई डी टी, ये बेसिकली इसको बोलते हैं करंट, आई इंटू वी। पावर जो होता है इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं सर? पावर। पावर कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, the current flowing across the conductor, P is power, I is current flows in a across the conductor, current flows across the device, okay, a voltage V, voltage difference across the device, V is voltage, okay। पावर की जो यूनिट होती है दिस इज वाट। क्या होती है? वाट। कोई भी आप इलेक्ट्रिकल, आप वाट कैसे सर? वाट कैसे? आप जब भी मार्केट में जाते हो तो क्या बोलते हो? 10 वाट का बल्ब दे दीजिए, 40 वाट का बल्ब दे, ट्यूबलाइट दे दीजिए 20 वाट की, 40 वाट की। वोल्ट नहीं बोलते, वाट बोलते हो। वाट का मतलब आपको पता है कि वो जो है, जो आपने डिवाइस ली है, अगर 20 वाट है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर 20 वाट है इसका मतलब क्या है? आपने मार्केट में गए, बोल दिए 20 वाट की हमें ट्यूबलाइट चाहिए या CFL चाहिए। सर क्या चाहिए? सर CFL चाहिए। तो ये 20 वाट का जो CFL होता है, आपने सिर्फ वाट बताया, इसका मतलब ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड 20 जूल पावर, 20 जूल ऑफ एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द डिवाइस। मतलब आपने 20 वाट कहा, इसका मतलब क्या है कि 20 जूल एनर्जी पर सेकेंड लिबरेट करेगी। CFL हर सेकेंड में कितना एनर्जी खाएगी? 20 जूल खाएगी। इसी वजह से ये हो गया सर वाट। बढ़िया सर, तो इसको बोलते हैं पावर। पावर का मतलब ये समझ में आ गया सर कि एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज पावर। क्या? एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज पावर। ध्यान से समझना, मतलब सर हमने पढ़ लिया पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। सर वी इंटू आई, सर हमें पता है वी इक्वल टू वाई आर भी होता है। मैंने बोला ठीक है ये भी रख दो, तो V के जगह पे I रख दिया इंटू V के जगह पे आई आर इंटू आई, तो वैल्यू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। एक फार्मूला और तैयार हो गया। बच्चे ने बोला सर हम तो I रिप्लेस करेंगे, I इक्वल टू V बाई आर। मैंने बोला रिप्लेस कर दो भाई, V इंटू आई के जगह पे क्या रख दूं भाई? V बाई आर। तो वैल्यू कितना हो गया? वी स्क्वायर बाई आर। मतलब पावर जो कंज्यूम कर रहा है, इसके तीन फार्मूले बहुत तरीके से, क्या क्या? वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। ये है सर पावर। ये क्या है? पावर। ये पावर है सर, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। अब ये जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, क्या है सर? ये एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड है। ध्यान से समझना, दिस इज एनर्जी लिबरेटेड
पर सेकंड, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड। बच्चे ने कहा ये तो सर पर सेकंड है। बच्चे ने बोला सर ये तो एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड है। मुझे मान लो एनर्जी एनर्जी पर सेकंड है, एनर्जी पर सेकंड है। बच्चे ने बोला कि ये तो सर एनर्जी पर सेकंड है। मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या क्या है एनर्जी पर सेकंड? V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। बच्चे ने बोला सर हमें तो एनर्जी चाहिए, आप तो पर सेकंड बता रहे हो। मैंने बोला कि ठीक है एनर्जी लिख लो। एनर्जी बराबर जो एनर्जी लिबरेट करती है, ध्यान से समझना इस चीज को। क्या सर? जो एनर्जी लिबरेट करती है, बल्ब है सर, एनर्जी निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओह सर एनर्जी अगर हमें निकली है तो ये पर सेकंड है। तो अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो मान लो वी आई टी, वी आई टी मतलब विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, वी आई टी, याद रखने का तरीका है वी आई टी। कौन सा? आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन टाइम टी। अब सर बात ये आती है, सब ठीक है सर, बढ़िया है, ये तो एनर्जी निकल रही है। ये जो एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि बल्ब से एनर्जी, ये मान लो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट कम गर्म होती है, ये जो ट्यूबलाइट है ये हीटअप कम होती है क्योंकि, और ये इसके इसकी जो लाइट होती है ना वो इसका जो एनर्जी जो एनर्जी लिबरेट कर रही है, ये एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा जो फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो लाइट के फॉर्म में हो रहा है, इस वजह से आपको अच्छी लाइट मिलती है। वही जो एक छोटा लट्टू वाला बल्ब देखा होगा, लट्टू वाला बल्ब हीटअप हो जाता है, हीट होगा, छूओगे जल जाओगे, अगर उसको छू लिए तो जल जाओगे। इसका कहने का मतलब वहाँ पे मैक्सिमम उससे पढ़ाई कम की जाती है। क्यों? हमेशा CFL या ट्यूबलाइट प्रेफर की जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो एनर्जी मिल रही है, इट कन्वर्ट हिज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये जो अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मैक्सिमम कन्वर्ट करती है, जबकि लट्टू वाला बल्ब वो गर्म भी होता है और लाइट भी देता है, पीला बल्ब बोलते हैं उसको, आप सबने देखा भी होगा। तो एक छोटे से ये किस में आ गई सर? एनर्जी जूल में आ गई। किस में आ गई सर? जूल में आ गई सर, एनर्जी इन जूल। एक होता है जूल पर सेकंड, जो आप जानते हो जूल पर सेकंड, जिसको आप अभी तक पावर बोलते थे, इसी को क्या बोलते हो? वाट। क्या बोलते हो? एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वाट। एक इसकी पावर की यूनिट होती है किलो वाट। क्या सर? किलो वाट का मतलब 1000 वाट। ओह 1000 वाट सर, 1000 वाट को 1 किलो वाट कहते हैं। बढ़िया सर, इसका मतलब अगर हमारे घर में याद रखना ये सारी चीज़ें, आपको कई बार एग्जाम में आता भी है कि एक एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड पूछा जाता है, एक टोटल एनर्जी लॉस पूछा जाता है। तो दोनों में हम यहाँ पे फ़र्क देखते हैं। मान लो हमें अपने घर में, मेरे घर में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 बल्ब, कितने बल्ब? 3 बल्ब, 3 बल्ब हैं। 3 बल्ब कितने वाट के? 20 वाट के 3 बल्ब। और क्या है सर? एक आपके पास मिक्सचर है, मिक्सर कितना वाट का? 100 वाट का मिक्सचर सर, 100 वाट का मिक्सचर। फैन है सर, 2 फैन हैं हमारे घर में, 1 मिक्सचर हो गया। फैन का मान लो 50 वाट का, 50 वाट का। मैंने तीनों को एक साथ चालू कर दिया, मान लो तीनों एक साथ चले। मैंने 3 आज तक, अब आप ये मत कहना कि मिक्सर सर 3 घंटे तक क्यों चलाया, चलो मैं आइडियल मान लेता हूँ 1 घंटे तक हमारा तीनों चले, 1 आज तक।
ध्यान से समझना, मैं टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा हूँ बेटा, ये 20 वाट है, मतलब हर सेकेंड एक बल्ब का है, ये एक बल्ब का है, तो तीन बल्ब हैं सर, 3 × 20, ये एक सेकेंड में एनर्जी 20 जूल पर सेकेंड ले रहा है ये, तो सर कितने घंटे तक लिया, एक घंटे तक, मतलब 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3600 सर, ये इतनी एनर्जी खा गया सर, 100 एक मिक्सचर 100 वाट की एनर्जी ले रहा है, एक सेकेंड में 100 जूल ले रहा है, तो इसमें क्या करें सर, 100 मल्टीप्लाइड बाई 3600 3600 सर, ये 50 वाट का, हमारे पास दो फैन भी हैं, तो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फैन का रेटिंग कितना है, 50 वाट सर, 50 वाट × 3600, तो ये जो टोटल एनर्जी आपकी आ रही है, दिस एनर्जी विल कंज्यूम इन वन आवर, एक घंटे में आप इतनी एनर्जी कंज्यूम करोगे, कितना, एक घंटे में सर हम इतनी एनर्जी खा जाएंगे। अब किसी ने पूछा किलो जूल में किलो वाट में बताओ, पूछ सकते हैं ना भाई, आप सारा एनर्जी कंज्यूम कर लो, अब उसमें किलो जूल बताओ मेगा जूल बताओ क्या फर्क पड़ता है सर, कुछ भी बता देंगे, तो ये तो एक कहानी रही। अब आप अपने घर के पावर भी बता सकते हो कि आपके घर में कितना यूनिट आ रहा है, ध्यान से समझना, आपके घर में कितना यूनिट बिजली खर्च हो रही है वो भी बता सकते हो। ऑल राइट, तो वो भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो होती है एक यूनिट जो होती है कॉमर्शियल यूनिट, एक किलो वाट आवर्स, दोनों में अंतर समझना, कॉमर्शियल यूनिट को बोलते हैं 1 किलो वाट आवर्स, 1 किलो वाट आवर्स का मतलब ध्यान से समझिए, आप सारी यूनिट बता सकते हो कि आपके घरों में कितनी यूनिट खर्च होती है, उसका कैलकुलेशन आप बता सकते हो कि सर कॉमर्शियल जो यूनिट होता है हमारे यहाँ, जो कॉमर्शियल यूनिट होता है बेटे, यूनिट जो एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट बिजली आई, मान लो सर ये हमारे पास बल्ब है, मैंने अल्टरनेटिंग सर्किट से जोड़ दिया है, हमारे पास ये बल्ब है या हीटर, बल्ब तो इतना वाट का नहीं होता सर, हीटर होता है, मान लो ये हीटर गर्मी ठंडी वाला हीटर, कितना ठंडी वाला, ठंडी खूब कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, इस पे लिखा है 1000 वाट, कितना 1000 वाट का हीटर है, वैसे एसी का भी होता है बताएंगे तरीके से सर, 1000 वाट का जो है हीटर है, 1000 वाट का हीटर ले आया और सर एसी सप्लाई दे दिया, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दे दिया। अब इसमें एक बात बताओ कि 1000 वाट का हीटर का क्या मतलब है कि सर 1000 वाट का जो ये पावर दिया है, ये रेटेड पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेटेड पावर की जो वैल्यू है 1000 वाट है, मतलब पी दिया है, पावर दिया है, मतलब एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड दिया है, दिस इज एक सेकेंड, इन वन सेकेंड हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस हीटर सर, 1000 जूल, 1000 जूल ये जो है एक सेकेंड में एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसको हम बोलते हैं वाट। अब बात ये है सर 3600 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आप कहोगे सर 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इतना अमाउंट ऑफ जूल ये जो है एनर्जी कंज्यूम करेगी सर, इतना अमाउंट ऑफ जूल बेटे, इसी को बोलते हैं 1 किलो वाट, क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर्स, 1 किलो वाट आवर्स, एक घंटे तक अगर 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलता है, कितने समय तक, फिर से
सर एक घंटे तक 1000 वाट का अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है एक घंटे तक चले तो वो कितनी बिजली खाएगा? एक यूनिट, कितना? वन यूनिट। इसको बोलते हैं वन यूनिट, इसको बोलते हैं वन यूनिट। अब आपके घरों में 24 घंटे मान लो कि 2 टन का एसी है, टन तो अलग चीज होती है, रेफ्रिजरेटर में आता है। मान लो आपके पास जो एसी का वाटेड है, एसी मान लो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, मान लो आपके घर में एसी लगा दिया, गर्मी खूब पड़ रही है सर, कड़ाके की गर्मी, एसी लगा है, एसी लगा है सर, एसी अल्टरनेटिंग करंट ये पावर सप्लाई दे रहा है, कितना है का? 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट का एसी लगा है, उस पर लिखा होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो आप उसको रेटेड पावर लिखा होता है सर। एसी जो है 3.5 यूनिट, याद रखना, इन वन आवर्स हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम, 3.5 किलो लिखा है, 10 की पावर 3, कितना घंटा तक? एक घंटे तक, कितना घंटे? एक घंटे सर 3600, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जूल में हो गया, किस में हो गया सर? जूल में हो गया, ये जो एक घंटे तक जो एनर्जी कंज्यूम किया ये, अब इसकी पावर, रेटेड पावर निकालनी है सर, ये अमाउंट इतना एनर्जी इसने एक घंटे में कंज्यूम किया, मान लो 8 घंटे आपने एसी चलाया, कितने घंटे? 8 आवर्स, मान लो गर्मी खूब पड़ रही है, अब आपने 8 आवर्स तक चला दिया तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी सर? 8 × 3.5 × 1000 × 3600। अब इसमें 1 किलोवाट आपको वन यूनिट का पता है, वन यूनिट क्या होता है सर? 3600 × 1000, 1 यूनिट का इतना हुआ, तो इतना अगर एनर्जी है तो डिवाइडेड बाई कितना कर दूं सर? डिवाइडेड बाई आप, ये आपके पास 1 यूनिट का है तो सर यूनिट से डिवाइड कर दो, 3600 × 10 की पावर 3, सर ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 8 × 5 = 40, 0 × 4 = 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, इसका मतलब क्या है? 28 यूनिट जो है कितने, 28 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी आप 8 घंटे में चला करके, आप मान लो कि कॉमर्शियल में जो इसका एक यूनिट का कॉस्ट है वो 10 रुपये, कितना रुपये? 10 रुपये है एक यूनिट का। वैसे यहाँ पे गुजरात या महाराष्ट्र में मान लो कि आप मेरे यहाँ 5 रुपये यूनिट आती है, सपोज 5 रुपीज़ यूनिट है, तो मुझे कितना रुपीज़ देने पड़ेंगे? 280, 28 यूनिट, 28 × 5, 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 10, 4 = 14, 140 रुपये, कितने? 140 रुपये मुझे 8 घंटे का पर डे एसी का चलाने का देना होगा। इस वजह से जो एसी जो चलाते हैं, जिनके पास पैसे अच्छे होते हैं कि 3-4 हज़ार बिल आ जाए कोई बात नहीं, अगर पर डे 150 रुपये आ रहे हैं तो आप महीने का कितना होगा? 4.5 हज़ार बिजली का बिल, तो जो 4.5-5 हज़ार बिजली का बिल देते हैं हर महीने उसी वजह से देते हैं, आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल राइट, अब ये सेगमेंट देखते हैं कि आपके पास कई बार नेट में भी पूछा जाता है, जेई मेंस में भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास बल्ब लगे हैं, बहुत सारे बल्ब का कॉम्बिनेशन देता है, उसमें पूछता है कौन ज़्यादा ब्राइट जलेगा, कौन पहले फ्यूज होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो पी होता है, पी बराबर V² / R होता है, पी बराबर आपने क्या पढ़ा, 3 फार्मूले बताया, कौन कौन से? I² R, V² / R और I² V × Y, सब 3 फार्मूले बताया। यहाँ पे रेटेड पावर दिया है 100 वाट का है, 50 वाट का है, 20 वाट का है, 220 की सप्लाई लगी है, 220 वोल्ट की सप्लाई, DC सप्लाई लगी है,
तो सर करंट तो सब में सेम जाएगी, करंट में तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पे पावर रेटेड सबका दिया है, तो R1 निकालते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, V स्क्वायर बाई P1। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, V स्क्वायर बाई P2। R3 की वैल्यू क्या, V स्क्वायर बाई P3 सर। अब सर यहाँ पे सर तीन के तीनों जो बल्ब हैं, तीन के तीनों बल्ब का जो रेटेड वोल्टेज है 220, तो सर ये रेटेड वोल्टेज, यहाँ पे रेटेड लिख दें रेटेड, तो सर ये रेटेड है। जिसका पावर कम है, पावर किसका कम है सर, तीसरी मतलब पावर ऑफ B3 सबसे कम है पावर ऑफ किससे, पावर ऑफ B2 से। अब सबसे ज़्यादा पावर किसका है, B1। इसका पावर कितना है, रेटेड पावर 100, इसका 50, इसका 20। जिसका पावर कम है उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब किसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो पावर सर सबसे कम किसका है, B3 का, तो इसका रेजिस्टेंस R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है, तीसरा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सर करंट तो सेम है, करंट इन सीरीज सेम है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप रेजिस्टेंस निकालना कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका करंट तो सेम है सर, अगर यहाँ पे करंट देखें करंट तो सेम है लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका पावर क्या होगा, उसमें ज़्यादा लॉस होगा, जितना ज़्यादा लॉस होगा वो बल्ब ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, थर्ड वाला बल्ब सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था B3 मोर देन B2 फिर B1, सबसे कम B1 होगा सर। अगर आपके पास पैरेलल में आ जाए तो फिर क्या करेंगे सर, ये तो कहानी किसकी रही, सीरीज की। अब बात ये आती सर पैरेलल में क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मान लो यही तीन बल्ब होते, यही सेम तीन बल्ब 100 वाट का 220, 50 वाट का 50 वाट का 220 वोल्ट, 20 वाट का 220 वोल्ट, अगर आप ऐसे लगाते तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम है सर, सर वोल्टेज तो सेम है, जिसमें रेजिस्टेंस R बराबर V² / P या V² / R होता है, जिसमें पावर रेटेड सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सर सबसे ज़्यादा होगा। तो बात यह है सर इसमें वोल्टेज बराबर है, क्या वोल्टेज सर बराबर है, जिसमें रेजिस्टेंस कम हुआ वो कम ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ वो ज्यादा ग्लो करेगा, ये कॉन्सेप्ट है सर। यहां पे किसका रेजिस्टेंस, जिसका पावर ज्यादा है, पावर किसका ज्यादा है, 100 वाट का पावर सबसे ज्यादा है सर, 100 वाट का पावर सबसे ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब ये क्या कम तेज ग्लो करेगा। अब बात ये आती है और सबसे ज़्यादा इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका। अब बात ये आती तो ये ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, बात ये आती है कि कौन फ्यूज होगा जिसमें करंट एक्सीड कर जाती है, जैसे मान लो कि करंट की वैल्यू निकाल लिया, करंट कैसे निकालोगे, इसमें करंट कितना जा रही है, इसमें करंट की वैल्यू कैसे निकालोगा, I1 I2 सर पावर दिया है वोल्टेज सब दिया है, तो P = V² / R I² R, तो सर यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, P = VI भी होता है तो VI से कर लो, V × I, तो I = P / V, जिसमें मान लो कि आपने रेटेड पावर निकाला, अगर ये इसकी वैल्यू से जो आपके वैल्यू कैलकुलेट की हो I1 I2 I3, अगर उससे ज़्यादा इसमें करंट जाती है तो बल्ब फ्यूज होता है। मान लो कि इसमें करंट कितना निकाला आपने, P / V, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 100 वाट, कितना 100 वाट, अपान V की वैल्यू कितनी है 220, I1 हो गया I2, 50 वाट अपान 220,
यहाँ पे आई थ्री हो गया 20 वाट अपॉन 220। सबसे कम करंट किस में जा रही है, सबसे कम लीस्ट करंट किस में पास हो रही है, इसमें, जिसमें सबसे कम करंट पास होती है उसमें चांसेज ऑफ फ्यूज के चांसेज कम होते हैं। फ्यूज वही होता है जिसमें करंट ज़्यादा जाए, तो फ्यूज के चांसेज किस में हैं, सबसे ज़्यादा फ्यूज के चांसेज किस में है, इसमें सर, बाकी तो ये सब तो कम है सर। यहाँ पे डिवीजन में सब बराबर, ये वैल्यू ज़्यादा है, करंट सबसे ज़्यादा आई वन है, तो फ्यूज के चांसेज किसके होंगे, बी फर्स्ट वाले के फ्यूज के चांसेज ज़्यादा होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो आपने सीखा कि अगर जिसमें करंट ज़्यादा हुई, रेटेड करंट जो आपने निकालते हो उससे ज़्यादा अगर करंट इसमें फ्लो हो गई तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और सबसे ब्राइट कौन सा जलेगा, कॉन्सेप्ट इस वाले में सबसे ब्राइट कौन सा जलेगा, जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट जलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बचता है उसको बोलते हैं, तीन चीज़ें पढ़ाऊँगा, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पर पूरा कॉन्सेप्ट है। मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और उसके साथ एमीटर और वोल्टमीटर। तो ये चार एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो वो उसको तगड़े से आप सभी बच्चे कल जो है हम उसको कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। आप अपने घरों में बिजली भी का आप यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना यूनिट पावर कंज्यूम हुआ है। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।